खत्म करना चाहिए। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर पुलिस ने 100 ग्राम स्मैक कीमत 10 लाख की जब्त कर दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। SDOP निशा रेड्डी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खिलचीपुर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह धाकड़ और उसकी टीम के नेतृत्व में मंडाखेड़ा जोड़ पर घेराबंदी कर बाइक से आ रहे गोकुल तंवर, चैन सिंह तंवर, ग्राम विनायक की तलाशी ली तो उनके पास से 100 ग्राम स्मैक मिली, जिसे जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें कहां से ला रहे थे और कहां ले जा रहे थे और कौन इस गिरोह में है, इसके लिए पुलिस आरोपियों को अदालत से रिमांड पर लेगी। राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। ये काफ़ी दिनों से ऐसी सूचनाएं अपने थाना क्षेत्र में मिल रही थी कि कुछ लोग जो है इसमें एक का लाना ले जाना कर रहे हैं। पहले भी यहाँ पे ऐसे कई बार प्रकरण इसमें तो कई बार ऐसा पहले भी यहाँ पे खिलचीपुर थाने में पकड़े गए थे, गोलपुर में पकड़े गए, तो उसी तारतम्य में पता चला कि दो व्यक्ति इसमें एक लेकर के और मांडाखेड़ा की तरफ से उधर सेमलापुरा तरफ से आ रहे थे। इस सूचना पे पूरी टीम को बताया गया, वीरेंद्र धाकड़ का जो थाना प्रभारी है उन्होंने एक टीम तैयार की, बातचीत की और गुड्डू कुशवा वगैरह को यहाँ से भेजा और मांडाखेड़ा जोड़ पे ये लोग एक प्रकार से पूरी पोजीशन लेके और वहाँ पर खड़े रहे छुप के। और जैसे ही सूचना के अनुसार जैसे ही व्यक्ति उधर से आए सेमलापुरा जोड़ के तो उनको पकड़ा, उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 100 ग्राम इसमें बरामद हुई। जी, इसकी कीमत क्या है? 100 ग्राम इसमें की कीमत मार्केट वैल्यू 10 लाख के करीब है और दोनों को गिरफ्तार किया। एक का नाम है गोकुल तंवर और दूसरे का नाम चैन सिंह तंवर है। गोकुल कहाँ रहने वाला है? ये विनायक बे के, दोनों ही विनायक बे है, बूढ़ा माता के पास में गांव है विनायक बे, वहाँ के दोनों रहने वाले। ये गाय से थे, मतलब गाड़ी से थे, कैसे आ रहे थे उधर मंडाखेड़ा? हाँ, ये मोटरसाइकिल पे थे और उसी पे ये लेके आ रहे थे। पहले भी क्या इस प्रकार से इनका रिकॉर्ड अभी कर रहे हैं तलाश, उसमें भी कि हो सकता है कि इनका रिकॉर्ड पहले का हो, लेकिन अभी देख रहे हैं थाने के रिकॉर्ड में उनका होगा तो वो भी हम संलग्न करेंगे। किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? ये 8/1 तो 8/1 इसमें और भी पूछताछ के बाद और भी खुलासा होने? हाँ, निश्चित रूप से अभी और पूछताछ, अभी क्योंकि अभी आज कोर्ट भेज रहे हैं और इनसे और भी पूछताछ करेंगे कि ये कहाँ ले जा रहे थे, कितनी बार पहले भी लाए या कौन लेने आने वाला था, और भी और पूरा डिटेल इनसे पूछताछ करेंगे। जो दो आरोपी है इसमें एक लाने वाले, ये कहाँ से लेकर आ रहे थे मांडाखेड़ा जोड़ पे? तो अपन ने पकड़ा है इनको। हाँ, लेकर कहाँ से आए? वैसे ही लेके आ रहे थे, संभवतः इनके इनका जो जो विनायक जो बॉर्डर के, क्यों बॉर्डर पे है विनायक भी, तो उधर राजस्थान है बोर्डर श्री के आगे जो राजस्थान में घाटोली माखो उस एरिया से ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो इनको सप्लाई करता है, तो इस संबंध में भी उनसे पूछताछ की जाएगी वहाँ से लेकर आ रहे हैं।